फैसलाबाद डिवीजनल पब्लिक स्कूल प्रीमियर कैंपस में शायर मशरिक अलामा मोहम्मद इकबाल को खराज तहसीन पेश करने के लिए खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं इकरा मुनीर से। जी इकरा मुनीर, बताइएगा इस तकरीब के हवाले से क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, अलामा इकबाल से मंसूब किया गया है नवंबर का महीना। तमाम तालीमी इदारों में इस पूरा महीना एक्टिविटीज जारी रहती है। डिवीजनल पब्लिक स्कूल प्रीमियर कैंपस में भी आज एक खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया है। इस तकरीब में नन्हे बच्चों की कसीर तादाद ने शिरकत की है। नर्सरी लेवल से लेकर सिक्स क्लास तक ये स्कूल है DPS का, जिसके अभी रिसेंटली इफ्तिताह किया गया है। यहाँ नन्हे बुढ़े बच्चों ने पहली बार को परफॉर्मेंसेज पेश किया। थोड़े डरे थे, थोड़े खुश थे, उन्होंने खूब इंजॉय किया। यहाँ पे इकबालियात को पेश किया गया, तकारीर पेश की गई, बच्चों जानिब से परफॉर्मेंसेस पेश की, जिसमें बच्चे खासे खुश दिखाई दिए। मेरे साथ स्कूल के प्रिंसिपल शाहिद महमूद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, इस आपकी ब्रांच का पहला है ये इवेंट रहा, आप इसको देखिए क्या कहना चाहेंगे और इन बच्चों के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ जो कि हमारे सिस्टम को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे रहा है। बच्चों ने तैतुल लफ्ज और उसके साथ साथ तकारीर और साथ ही अलामा इकबाल के कलाम को यहाँ पे तरन्नुम से गाया है। इसमें कोशिश हमारी ये है कि बच्चों के अंदर खुदी का जो एक पैगाम है अलामा का, उस चीज़ को बच्चों में उजागर किया जाए, ताकि मुस्तकबिल में हमारी कौम जो है वो अपने पैरों पर खुद बखुद खड़ी हो सके। के कॉन्सेप्ट को उजागर करने की जरूरत है ताकि मुस्तकबिल में ये जो नौनिहाल है, जो मुस्तकबिल की बागें संभालने वाले हैं, इनको पता हो कि खुद ही अलामा इकबाल का जो कॉन्सेप्ट था उसका मकसद क्या था। हुरैन मेरे साथ मौजूद है, उससे बात करेंगे। हुरैन बेटा, क्या कहोगे, आज का इवेंट कैसा रहा? आज हमने अलामा मोहम्मद इकबाल को ट्रिब्यूट पेश किया, हमें बहुत अच्छा लगा। ये हमारे स्कूल का पहला फंक्शन था और बहुत अच्छा रहा। बच्ची का कहना है कि स्कूल का पहला फंक्शन था जिसे इन्होंने खूब एंजॉय किया। इकबाल डे सेलिब्रेशन थी, जिस सेलिब्रेशन में तालिबे इल्मों की कसीर तादाद ने शिरकत की और इन सब ने मिलकर अलामा मोहम्मद इकबाल को खूबसूरत अंदाज में खिताब से आगाह करने के लिए। जी।